तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आप। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अपना पैन कार्ड को कैसे डाउनलोडिंग करें, आधार कार्ड का तरीका भी बताऊंगा और पैन कार्ड के जो नंबर होते हैं उसका भी तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जाना है अपने क्रोम ब्राउजर में, यहाँ पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है पैन कार्ड डाउनलोड। तो यहाँ पे आपको ये वाली वेबसाइट पे आप क्लिक कर दीजिए या इनकम टैक्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च पहले मैं आपको बता देता हूँ आधार कार्ड वाला। तो दोस्तों इस वेबसाइट में जाना है, यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है। तो दोस्तों मैं अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देता हूँ और उसके नीचे आपको इंटर कैप्चर कोड ये भी डाल देना। तो सबसे पहले हम आधार कार्ड का नंबर डाल देते हैं। दोस्तों मैंने आधार कार्ड का नंबर डाल दिया, ऊपर और नीचे कैप्चर कोड भी डाल दिया। अब मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में जो आपके नंबर पर आधार कार्ड लिंक होगा वहाँ पे आपको एक ओटीपी कोड आएगा, तो यहाँ पे आपको ओटीपी सबमिट कर देना। तो दोस्तों मेरा ओटीपी कोड आ गया है तो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ओटीपी कोड डालने के बाद में यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। देख सकते हैं कि पैन कार्ड डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना पैन कार्ड और आप अपना पासपोर्ट डाल सकते हैं, आपका बर्थडे डेट। तो यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग पैन पर डाउनलोडिंग कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको पासपोर्ट डाल देना है, तो यहाँ पे आपका जो भी पासपोर्ट होगा जैसे आपको, तो यहाँ पे मैं अपना पासपोर्ट डाल देता हूँ, आपकी जन्मदिन 2। सॉरी पासपोर्ट गलत लग गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा पैन कार्ड डाउनलोड हो चुका है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।